नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार किरणनगर का रहने वाला हूँ। आज मैं स्पेशली उस ब्रिज को देखने आया हूँ। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह की देन है। ये ब्रिज पंजाब, कठुआ, पठानकोट, गुरदासपुर और तकरीबन पूरे पंजाब को जोड़ता है और हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट को भी ये जोड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बहुत ही ज़्यादा काम किए हुए लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन ये ब्रिज की अगर लंबाई देखी जाए तो 1 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, तो इस ब्रिज के बनने से हमारे जो लोकल हीरानगर मंडल और मड़ीन मंडल के लोगों का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। जो लोग मतलब कि अपने बिजनेस या जो जिम्मेदारी बैलेट है, जो लोग अपने काम के लिए अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में, पंजाब की मंडियों में या कठुआ की या शहर की मंडियों में नहीं पहुंच सकते थे, वो इस ब्रिज के बनने से बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस ब्रिज का जहाँ के बच्चे लेंगे, क्योंकि बॉर्डर की बेल्ट जो है वो अच्छी एजुकेशन के लिए हमेशा ही तरजीह है। इस ब्रिज के बनने से मतलब कि जो कठुआ में या मतलब कि पंजाब में अच्छे स्कूलों में उनकी जो रीच है वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि हमारी ये जनता है, हम सब डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे इस पंजाब के बॉर्डर से लेकर जम्मू तक वैसे तो ब्रिजों की छड़ियाँ लगा दी है। चाहे वो उज की हम बात कर ले, चाहे हम तरनान नाला की बात कर ले, चाहे हम सांबा के साइड के ब्रिजों की बात कर ले, लेकिन ये ब्रिज इसलिए ख़ास है, ये दो स्टेटों को जोड़ता है और हमारी इंटर स्टेट की कनेक्टिविटी को भी बेहतर करता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको थोड़ा सा इस ब्रिज की लंबाई की तरफ भी लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ ये कितना बढ़िया और कितना ही अच्छा ब्रिज ये है। बोलो भैया, मैं आपको इस ब्रिज के ऊपर लेके जा रहा हूँ। मतलब कि ब्रिज शुरू होता है तो मतलब कि इसकी हाइट देखो आप, मतलब कि शुरुआत देखो। ऐसा नहीं है कि अगर शाम को अगर इसके दोनों साइड मतलब कि वो बने हुए हैं पैदल चलने के लिए या बाइक के लिए अलग से पाथ बने हुए हैं। आप ब्रिज की लंबाई देखो आप, मतलब कि ज़्यादा नहीं कहते 700-800 मीटर के करीब ये ब्रिज होगा। शाम को उसके दोनों तरफ मतलब कि आने जाने का या टहलने का भी अच्छा प्रबंध हो सकता है। ऐसे ऐसे काम करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही मतलब कि ऐसी सोच या ऐसे काम कर सकते हैं। मतलब कि मेरी अपनी एज 38 ईयर की एज है मेरी, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ टाइम में इतने कभी काम होते देखे नहीं है जितने जो मतलब कि मैंने अपने 6 साल के कैरियर में देखे। चाहे IIT की बात कर ले, चाहे IIM की बात कर ले, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, चाहे यूनिवर्सिटी की बात कर ले, चाहे उच्च प्रोजेक्ट की बात कर ले, चाहे हमारे SRO 202 के लिए की बात करें, चाहे मतलब किसी भी पैटर्न के ऊपर आप आ जाओ, डॉक्टर साहब ने जो काम किए हुए हैं तो वो मतलब कि सिग्नेचर है। मतलब कि हम रहेंगे ना रहेंगे, लेकिन जो डॉक्टर साहब के काम है वो हमेशा ही लोगों के दिलों में बसते रहेंगे। आप देखिए कि ये मतलब कि हम लगभग 1-1.5 मिनट हुए हम गाड़ी पे चलते हुए, तो फिर भी ये ब्रिज अभी ख़त्म होने नहीं आ रहा है। मतलब कि सोचो कि इसकी कितनी कास्ट होगी। मतलब कि पहले तो लोग सोचते ही रहते थे जो MP MLA बने कि पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आएंगे। जगह बात होती है सोच की, इस सोच के लिए बंदे का माइंड जो है बड़ा चाहिए, सोच ही बड़ी चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए। हम लोगों ने जो प्यार दिया है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ने उसको पूरी पूरी निभाया है। धन्यवाद। मैं आज फिर एक बार डॉक्टर साहब का हीरानगर कठुआ की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।